नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप चंद्र पांडे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्ष की दलित लड़की के साथ गैंग रेप मामले को लेकर पूरा देश धीरे धीरे सुलग रहा है। लोगों को लगा था कि निर्भया कांड के बाद जो कठोर कानून बनाए गए उनसे शायद बेटियों की आबरू बची रहे, लेकिन हाथरस की घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि हैवानियत अभी जिंदा है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि ऐसे कठिन मोर्चे पर पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देता। मामले का राजनीतिकरण तो हो ही चुका है। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि निर्भया कांड के दौरान बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जो आज सत्ता में हैं, वो इस मामले को लेकर आखिर खामोश क्यों हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की दलित लड़की से गैंगरेप और हैवानियत हुई। पीड़िता ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और उसके दम तोड़ते ही राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ गईं। कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल फिर कैंडल मार्च लेकर आ गए। सवाल ये है कि ये कैंडल मार्च आखिर कब तक? कब तक बेटियां दम तोड़ती रहेंगी और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? पुलिस ने मंगलवार की रात को पीड़िता के शव को पैतृक गांव तो ले आई, लेकिन घर वालों को लाश नहीं सौंपी। आखिरी बार बेटी का चेहरा देखने के लिए माता पिता और भाई परिजन तड़प उठे, लेकिन परिवार वालों की एक नहीं सुनी गई। और रात में 2:40 के आसपास जबरिया उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पर आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान पीड़ित परिवार के एक भी सदस्य को मौजूद नहीं रहने दिया गया, बल्कि पुलिस ने खुद ही लाश जला दी। इस मामले को लेकर गांव में तनाव फैला हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि रात को 2:30 परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी, और जब उस पर हमला हुआ तो सरकार ने समय पर इलाज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। अलग अलग तरह से ट्वीट पर, सोशल मीडिया पर हाथरस कांड को लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया जारी है। परिवार, ग्रामीण और पुलिस के बीच भी झड़प के मामले सामने आए हैं। रात में जब पीड़िता का शव एम्बुलेंस से गांव लाया गया तो परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल परिवारी जन शव सौंपने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी में जुटा था। परिवार वाले एम्बुलेंस के सामने भी लेट गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि एडीएम ने परिवार वालों से बदसलूकी की। परिवार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरन शव को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। इस दौरान किसी केमिकल का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है, शायद वह पेट्रोल था। इस प्रक्रिया के दौरान मीडिया वालों को दूर रखा गया। पीड़ित के भाई ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। भाई का कहना है कि उसकी बहन को अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया। अगर बहन को सही वक्त पर इलाज मिल गया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। परिवार वालों ने नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा कि उन्हें यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। घटनाक्रम पर नजर डालें तो हाथरस जिले के थाना चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 दबंग युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। आरोप है कि वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट ली। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। दो अन्य भी अलग अलग तारीखों में पकड़े गए। चौथे आरोपी को बीते शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। बहरहाल
हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा या केवल मोमबत्तियां जला करके मामले को शांत कर दिया जाएगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन देश, उत्तर प्रदेश के लोग सरकार से, तंत्र से, पुलिस प्रशासन से जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर बेटियों के साथ यह कलंक